हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी आप देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ मी दी ऑल न्यू टाटा सियारा कंसेप्ट मॉडल, जो कि एज एन ईवी यहाँ पर शोकेस किया गया इन ऑटो एक्सपो 2023। अब 2020 में जब ऑटो एक्सपो हुआ था तो वहाँ पर भी सियारा को दिखाया गया था एज एन कंसेप्ट मॉडल, और यहाँ पर अब जो है ये कंसेप्ट मॉडल और भी ज़्यादा एक प्रोटोटाइप वाला यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। सो ऑटो एक्सपो में आने के बाद ये चीज़ पता चल रही है कि जो टाटा है वो ईवी के ऊपर आगे इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा काम करने वाला है। सो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा सियारा के फ्रंट लुक के बारे में। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि अब जो टाटा है वो अपने सेम डिज़ाइन लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा है, और फ्रंट में सेम एक बड़ी जो LED DRLs हैं कनेक्टिंग होती हुई, वो चीज़ हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये पूरा आपको जो DRL वाला लुक है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये DRL है, और ये पूरा कनेक्ट होने के बाद पूरा साइड में यहाँ तक आपको मूव होते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इसके हेडलैम्प्स, और जो स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप है वही सेम लुक यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सो टाटा का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है सारी अपनी इनकी अपकमिंग EVs के अंदर। सो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो फ्रंट है ऊपर की साइड से वो पूरी तरीके से क्लोज्ड है, क्योंकि ये एक कंसेप्ट मॉडल है और ये एक EV है। सो EV के अंदर जो ऊपर की साइड का पार्ट होता है वो पूरी तरीके से क्लोज होता है। टाटा का बोल्ड लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है, एंड यहाँ पर आपको नीचे की साइड में मिल जाता है एक न्यू लुक, और यहाँ पर एक स्किड प्लेट ऑफर की गई है। साथ ही पार्किंग जो सेंसर्स हैं वो भी यहाँ पर फ्रंट में ऑफर करा दिए गए हैं, और एरोडायनेमिकली जो डिज़ाइन की गई है कार, तो यहाँ पर आपको जो एयर डैम्स हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक इस साइड पे है और एक उस साइड पर ऑफर किया गया है। सो कुछ ऐसा आपको लुक मिलता है टाटा सियारा का फ्रंट प्रोफाइल से। और अब मैं आपको थोड़ा सा साइड में लेकर चलता हूँ, और आप अब यहाँ पर देख सकते हैं टाटा सियारा की साइड प्रोफाइल। और यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इसकी थिक क्लैडिंग्स, जो कि इसके व्हील आर्चेस के ऊपर दे दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पर जो इसके अलॉय व्हील्स हैं वो देख सकते हैं, मल्टी स्पोक हैं, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी जो डिस्क है वो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। योकोहामा के जो टायर्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, एंड ईवी की जो बैजिंग है वो हमें यहाँ पर एक इस साइड पर और एक उस साइड पर दोनों ही फ्रंट डोर्स के ऊपर देखने के लिए मिल जाती है। जैसे हमने जीप का जो कंसेप्ट है जहाँ पर कंपास मेरिडियन और जो बैजिंग होती है, सेम वही चीज़ हमें एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो क्लैडिंग्स हैं वो यहाँ पर नीचे की साइड में भी आपको बिल्कुल फ्लोर के पास जहाँ पर रनिंग बोर्ड होता है तो वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। बात आती है अब इसके ORVM के, तो यहाँ पर आप इसका ORVM भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, और इसके ऊपर ही जो DRLs हैं वो आपको। अब बात आती है इसके ORVM की, अगर आप ORVM देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, और यहीं पर आपको जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो ही देखने के लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट एंड रिट्रैक्टेबल फीचर के साथ। जो इसके ए पिलर्स होंगे वो पूरी तरीके से ब्लैक्ड आउट होंगे, और कहीं ना कहीं ये जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। सियारा की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस साइड पर, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सियारा की बैजिंग मिल जाती है, एंड फ्लश टाइप जो डोर हैंडल्स हैं वो यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, सेम लाइक दी XUV 7W। तो वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलते हैं इसके थोड़ा सा रियर पार्ट की तरफ, तो इस साइड अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो डिफेंडर जैसा लुक है वो आपको थोड़ा सा ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो आपको थोड़ा सा डिफेंडर वाला जो लुक है वो कंसेप्ट मॉडल में हमें अभी देखने के लिए लग रहा है थोड़ा सा। और यहाँ पर पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर भी ऑफर किए गए हैं। और अब मूव करते हैं इसके रियर पार्ट की तरफ, तो ऊपर की साइड में सबसे पहले मैं आपको जो रूफ रेल्स है वो दिखा दूँ, जो कि ब्लैक डॉट दी गई है, एंड पैनोरामिक जो सनरूफ है वो भी यहाँ पर ऑफर कराई गई है। स्पॉइलर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज यहाँ पर स्पॉइलर दे दिया गया है, साथ ही एक ब्लैक्ड आउट जो एलिमेंट है वो अंदर की साइड में एनग्रेव्ड कराया गया, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। पीछे की साइड में वही सेम चीज़ देखने के लिए मिल रही है जो कि मैंने अभी आपको आगे ही बताई थी। सो जो फ्रंट में कनेक्टिंग चीज़ है वो हमें वहाँ पर मिल रही थी, जो कि DRL की है, सेम हमें टेल लैम्प्स के साथ भी मिलेगी। और उससे बड़ी चीज़ इसके अंदर ही अगर आप नोटिस करेंगे तो सियारा की जो बैजिंग है वो यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर SIERRA सियारा की बैजिंग आपको यहाँ अंदर ही देखने के लिए मिल जाएगी। और ये पूरा आपको एक कनेक्टिंग बार जैसा वाला जो लुक है वो देखने के लिए मिलेगा, टाटा का बोल्ड लोगो यहाँ पर मिल जाता है, एंड नीचे लोअर आपको जो ब्लैक्ड आउट बम्पर है उसके साथ में जो स्किड प्लेट है डिफ्यूज़र जैसा लुक वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सो कुछ ऐसे आपको मिलेगी
टाटा सियरा, एंड इस साइड में जो फ्यूल रिफिलिंग पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑफर कराया गया है, एंड जो क्लैडिंग्स है काफ़ी थिक थिक वो इसको एक रगेड और एक एसयूवीश जो लुक है वो ज़रूर दे देती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आपको मिलने वाला है टाटा सियरा के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटीरियर भी दिखा दूँ। सो इंटीरियर आप यहाँ से देख सकते हैं, डी कट स्टाइल के अंदर जो इसका स्टेयरिंग व्हील है वो हमें देखने के लिए मिलेगा, साथ ही क्लस्टर मीटर पूरी तरीके से डिजिटल रहेगा और TFT के साथ आएगा। सेम यहाँ पर भी आप एक और स्क्रीन देख सकते हैं जो कि इसकी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, एंड जो टॉगल स्विचेस है वो हमें यहाँ पर अभी देखने के लिए मिल रहे हैं इसके AC कंट्रोल्स के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का पूरा वो, और जो कैप्टन टाइप जो सीट्स है वो यहाँ पर मिल रही हैं देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूरा आर्म रेस्ट के लिए दिया गया इंडिविजुअली वो यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रियर वाली जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिक्लाइनिंग फ़ीचर के साथ देखने के लिए मिल रही हैं, और जो ऑटोमैन फ़ीचर होता है वो भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे की साइड में, जैसे अभी इनोवा हाई क्रॉस के अंदर लॉन्च किया गया तो वो सेम चीज़ इसके अंदर भी आने वाली है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर एज ए कंसेप्ट मॉडल के अंदर देखने के लिए पता चल जाती है। सो कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। सो गाइज़ ये थी ऑल न्यू टाटा सियरा कंसेप्ट मॉडल जो कि एज एन ईवी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च की जाएगी। आपको टाटा सियरा कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।